पाकिस्तान को जिताऊं। और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा देख शामी मेरी बात सुन, इस वक्त तू अपनी बेस्ट कंडीशन में है बॉलिंग फॉर्म, व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड बॉलिंग फॉर्म। वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री मोहम्मद शामी। थैंक्स कि ये अवार्ड एक यार ड्रीम है कि पूरी लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मिल रहा बहुत खुशी की बात है, प्राउड फीलिंग है एकदम। लाइक ऐसा होता है कि हाँ एक सपना देखा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक फ्यूचर में लोग, मैं क्या कोई भी लोग, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हम लोग अवार्ड्स को देखते रह जाते हैं मिलते नहीं, तो ये तो एक ड्रीम की तरह है। अर्जुन अवार्ड मिला जी शमी साहब को, बहुत बहुत खुशी की बात है। देखें जिन मुल्कों में टैलेंट की कदर होती है, जिन मुल्कों में अपने बच्चों को बच्चियों को नवाजा जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेस बेस पे उनको रिवार्ड किया जाता है, तो उस मुल्कों को कभी भी आप स्पोर्ट्स में पीछे धकेल नहीं सकते। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। हमारे मुल्क तो अगर वो भी करती है, रियासत करती है एक जगह, उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा रह जाता है कि वो वजह हो जाती है कि जी ये जगह ये बंदा इसने काम किया था, तो अगर रियासत ये कर रही है और उसने ये परफॉर्मेंस किया, उसने अपना आप मनवाया है। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे प्यारे दुलारे मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे राष्ट्रपति, हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया और अर्जुन अवार्ड से मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया। और मतलब कह रहे बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है मोहम्मद शमी के लिए कि उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अर्जुन अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सबसे दूसरा नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है और उस अवार्ड से मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है। मतलब कि मोहम्मद शमी की जो परफॉर्मेंस थी रिसेंटली वर्ल्ड कप में, टेस्ट में, सभी में बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस थी। और वर्ल्ड कप में तो क्या ही बात करें मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस में, जिस तरीके की आग मोहम्मद शमी ने उगली और उसके बाद भी उनकी इंजेक्शन ले लेकर वो मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के सारे मैच खेला, तो मतलब कि उनके जज्बे को भी मेरा सलाम है। और मोहम्मद शमी ने एक तरीके से और मतलब कि डिजर्व करते थे अर्जुन अवार्ड का। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कदर होती है, इंडिया में टैलेंट की कदर होती है और इसी टैलेंट की कदर की बदौलत इंडिया में बड़े बड़े खिलाड़ी उभर कर आते हैं। इस पर पाक मैंने और क्या कहा, देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। तो ये कोशिश तो कर सकते वरना आराम से बैठे। तो जनाब सुबह सुबह अच्छी खबरें आई, अर्जुन अवार्ड मिला जी शमी साहब को, बहुत बहुत खुशी की बात है। देखें जिन मुल्कों में टैलेंट की कदर होती है, जिन मुल्कों में अपने बच्चों को बच्चियों को नवाजा जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेस बेस पे उनको रिवार्ड किया जाता है, तो उस मुल्कों को कभी भी आप स्पोर्ट्स में पीछे धकेल नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, जब बहुत बड़ी आबादी होती है कुछ रह जाते हैं, कुछ टैलेंट्स जो हैं दब जाते हैं, लेकिन ये जहन में रखें उनसे बेहतर खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि टैलेंट का गला घोंट दिया गया और बुरे खेल रहे हैं और अच्छे जो हैं वो कहीं छुपा के रखे गए हैं। नो 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 नो, होता ये है कि उनसे बेहतर होते हैं। अब आप देख लें ठाकुर खेल रहा था, वो कप्तान की नज़र में बेहतर होगा। जैसे ही वो इंजर्ड हुआ है हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी अंदर आया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। पांजे भी लग रहे हैं, चार विकेटें भी आ रही हैं और फिर तोड़ मोड़ तहस नहस कर दिया। तो अब बात करते हैं इस पूरी टॉपिक की कि मतलब कि यार मोहम्मद शमी को नॉमिनेट किया गया था अर्जुन अवार्ड के लिए और मुझे तो पता ही था कि मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड जीतेंगे, क्योंकि यार जिस तरीके की उनकी वर्ल्ड कप में रिसेंटली परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके की उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस दी थी, मतलब कि यार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मोहम्मद शमी ने दी थी। और वर्ल्ड कप में तो मतलब कि यार मोहम्मद शमी की बदौलत ही हम फाइनल तक पहुंचे। उन जैसी बॉलिंग अगर कोई दूसरा बॉलर होता तो वो भी नहीं कर सकता था, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, मतलब कि यार 2 बार 5 विकेट वॉल लिया और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी मोहम्मद शमी बने, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी मोहम्मद शमी बने और सबसे तेज विकेट लेने वाले बॉलर वर्ल्ड कप में वो भी मोहम्मद शमी बने। बल्कि यार उन्होंने इतने ज़्यादा रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में अपने नाम किए कि उसकी बात करें इस वीडियो में तो भी कम पड़ जाएगी। और उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित तो करना ही चाहिए और मतलब कि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी यार, उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करना बनता भी था। उनका नॉमिनेट
तो हुए थे अर्जुन अवार्ड के लिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि अर्जुन अवार्ड के उनको ही मिलेगा और उनको ही मिला। और जिस तरीके की उन्होंने इंजेक्शन ले लेकर मैचेस खेले, मतलब कि उनको एक देश के प्रति उनकी जो प्रतिभा है, उनका प्रेम है देश के प्रति, वो हमें दिखा। और जिस तरीके की उन्होंने यार इंजेक्शन ले लेकर खेलता था बंदा, वो बंदा इंजर्ड था फिर भी इंजेक्शन लेकर बॉलिंग करता था, वो इतनी ज़्यादा विकेट भी ली और 5 विकेट, 2 बार तो 5 विकेट और लिया, और 1 बार 2-3-4 मैच तो ऐसे थे जिसमें इंडिया लूज होने पर था, हारने को था, लेकिन मोहम्मद शमी ने आकर कहा मैं हूं ना, और मोहम्मद शमी ने इंडिया को उस हार से निकाला। और मतलब कि यार मोहम्मद शमी के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जिस तरीके का बंदा है, जिस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी है, मतलब कि यार इंडिया को ऐसा बॉलर मिला मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा हमारे लिए गर्व की बात है। और हर किसी के पास ऐसा टैलेंट नहीं होता जैसा टैलेंट इंडिया के पास होता है, और हमारे इंडिया में टैलेंट की कदर की जाती है, हमारे टैलेंट को सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मानित करने से हमारे टैलेंट हमारे खिलाड़ियों को सभी को हौसला मिलता है कि उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कि उनको लगता है कि मैं और आगे जाके इस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाऊँ, अपने देश के लिए खेलूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ, और उनको जज्बा मिलता है इस तरीके से जब उनको सम्मानित किया जाता है किसी भी अवार्ड से, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, सभी से सम्मानित किया जाता है, तो उनका एक हौसला बढ़ता है कि ना मैं भी आगे जाके इससे और अच्छा प्रदर्शन करूँगा और अच्छा अवार्ड मुझे भी मिलेगा। और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी खिलाड़ी, किसी भी प्लेयर, कोई भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, वो अगर उसकी अच्छी कारकर्दगी है, उसका अच्छा खेल कूद अच्छा है, वो अच्छा अचीवमेंट उसने की है, तो उसको किसी भी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये मतलब कि किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि खेल प्लेयर को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है, हमारे अकेले इंडिया में ऐसा है कि जिस प्लेयर को जिस फील्ड में अच्छी अच्छी अचीवमेंट होती है उसको अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक किस्म की देखें तो बड़ी बात है हमारे भारत की। मुझे तो गर्व है कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी है, भले ही हम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए लेकिन इस तरीके के खिलाड़ी भी हमारे पास है जो कि मैच को हमें कहीं भी करके जितवा सकते हैं। उस दिन उनका दिन नहीं था, लेकिन बस मैं मिलता हूँ, वीडियो को यहीं पे करते खत्म, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।